बीजेपी के गढ़ हमीरपुर में सेंध लगाने के लिए प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह आतुर है और कांग्रेस उम्मीदवार रामलाल ठाकुर को जीत दिलाने के लिए एकजुटता से काम करने में जुट गई है। इसी कड़ी में हमीरपुर बाईपास के पास निजी होटल में हमीरपुर संसदीय के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बीजेपी के गढ़ हमीरपुर में सेंध लगाने के लिए प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह से आतुर है और कांग्रेस उम्मीदवार रामलाल ठाकुर को जीत दिलाने के लिए एकजुटता से काम करने में जुट गई है। इसी कड़ी में हमीरपुर बाईपास के पास निजी होटल में हमीरपुर संसदीय के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर, पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश सह प्रभारी गुरकीत सिंह कोटली एवं वरिष्ठ नेता अनिल वर्मा, प्रेम कौशल के अलावा संसदीय क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व विधायक भी मौजूद रहे। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मंडी सीट को लेकर कहा कि दादा पोता जब कांग्रेस में है तो अनिल शर्मा ने इस्तीफा तो देना ही था, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक्शन नहीं ले सके और मुख्यमंत्री में राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो वे दम दिखाते, क्योंकि इन तिलों में तेल नहीं है। वहीं रही अनिल शर्मा के प्रचार की बात, तो अनिल शर्मा बीजेपी के सामने ही कांग्रेस का प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की तानाशाही नहीं है कि अनिल शर्मा की विधानसभा से सदस्यता को खारिज कर दे। हमने ये तो मालूम ही था कि इस्तीफा होना है। जिनके पिताजी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, जिनके पुत्र जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, तो जाहिर तौर पर जब दादा पोता कांग्रेस में है तो अनिल शर्मा को कांग्रेस में के चलते जो है इस्तीफा तो होना ही था। ये कोई लेकिन सिर्फ ये है कि मुख्यमंत्री उनके खिलाफ एक्शन नहीं कर सके, उन्होंने इस्तीफा दिया। अगर मुख्यमंत्री में राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो कोई दम दिखाते। और बाकी जहां तक वो कह रहे हैं कि हम अनिल शर्मा को जो है विधानसभा से बाहर कर देंगे, तो ये इन तिलों में ये तेल नहीं है। अनिल शर्मा जो है प्रचार करेंगे, कांग्रेस पार्टी का प्रचार करेंगे, आपके सामने करेंगे, और प्रचार करने के बाद अगर बीजेपी में दम है तो उनको पार्टी से निकालो ना। आप उनको पार्टी से निकालें, आप पार्टी से निकालेंगे तो वो विधानसभा में अनअटैच्ड मेंबर हो जाएंगे, अन्यथा वो यथास्थिति बनी रहेगी। आप कहाँ से कह रहे हैं कि उनकी विधानसभा की सदस्यता खारिज हो जाएगी? ये कोई तानाशाही नहीं है, यहाँ कायदे कानून से राज चलता है। वहाँ चुपके चुपके चुनाव कर रहे थे, उनको पता लगा। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में पता लगा रहे हैं, बहुत लोग चुपके चुपके प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।